भाजपा ने यूपी के 51 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वाराणसी से पीएम मोदी लगातार तीसरी बार चुनावी समर में उतरेंगे। आगरा से एक बार फिर केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को टिकट दिया गया है। वहीं फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर एक बार फिर जनता की कसौटी पर होंगे। इटावा से एक बार फिर रामशंकर कठेरिया और मथुरा से मौजूदा सांसद हेमा मालिनी को टिकट दिया गया है। भाजपा ने तमाम कयासों को धता बताते हुए पहली सूची जारी कर दी है। यूपी के 51 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जिनमें से 47 मौजूदा सांसदों को फिर से चुनावी समर में उतारा गया है। आगरा से लगातार दूसरी बार केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ताल ठोकते नजर आएंगे। वहीं फतेहपुर सीकरी से मौजूदा सांसद राजकुमार चाहर, मथुरा से मौजूदा सांसद हेमा मालिनी और एटा से मौजूदा सांसद राजवीर सिंह एक बार फिर चुनावी समर में ताल ठोकेंगे। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आगरा से पुनः आगरा के लाडले, आगरा के प्रिय और आगरा के चहेते जनप्रिय प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल साहब को पुनः मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट मिला है। केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी जो मेहनत है, उनकी जो लगन है, उनकी जो सहज उपलब्धता है, जिस तरह से जनता के बीच वो हर समय रहते हैं, जिस तरह से पार्लियामेंट चलने के टाइम पर भी वो जिस तरह आगरा हर रोज चल के आते हैं, छोटे छोटे और बड़े से बड़े फंक्शन में वो भाग लेते हैं, हर एक के सुख दुख में शामिल होते हैं, इसका संज्ञान लेते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने उनको अपना आशीर्वाद दिया है। पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी हर बार नया करने के लिए जानी जाती है। यूं तो आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की जनता और संसद में मौजूदगी, अन्य राज्यों में भी उनकी डिमांड को देखते हुए उनका नाम आगरा से लगभग फाइनल माना जा रहा था, लेकिन कयासबाजियों का दौर जारी था। वहीं सांसद राजकुमार चाहर भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते एक बार फिर टिकट के दावेदार थे, लेकिन फतेहपुर सीकरी में दावेदारों की लंबी फेरिस्त थी। मथुरा से जरूर हेमा मालिनी के टिकट कटने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन सभी कयास महज अफवाह ही निकले। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 195 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। उनमें उत्तर प्रदेश के 51 उम्मीदवार शामिल हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल आगरा से और फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर एक बार फिर रिपीट किए गए हैं। वहीं हेमा मालिनी को मथुरा से और मुजफ्फरनगर से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को एक बार फिर टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पूर्व ही अपने आधे से ज़्यादा उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और विपक्षी दलों पर एक तरीके से एक बढ़त ले ली है। यूपी में लखनऊ को छोड़ फिलहाल आगरा एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां 3 लोकसभा और 2 राज्यसभा सांसदों का आवास है। अब आगामी चुनाव तय करेंगे कि ये संख्या बरकरार रहेगी या नहीं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राज्यों की राजधानी के बाद आगरा एक ऐसा जिला होगा जहां 5 सांसद होंगे। 5 सांसदों का घर होगा, उनमें इटावा से सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया, आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर, राज्यसभा सांसद नवीन जैन और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का आवास आगरा में है। ये उत्तर प्रदेश का लखनऊ के बाद ऐसा एकमात्र जिला होगा जहां 5 सांसद निवास करेंगे। दिल्ली में अब तक 5 सीटें घोषित हुई हैं, जिनमें से 3 मौजूदा सांसदों का टिकट काटा गया है। आगरा मंडल के फिरोजाबाद और मैनपुरी, अलीगढ़ मंडल के हाथरस और अलीगढ़ लोकसभा सीट से अभी प्रत्याशी फाइनल नहीं किए गए हैं। इनके नाम कटने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी होने से पहले तमाम कयास लगाए जा रहे थे और तमाम दावेदारों ने अपनी दावेदारी भी ठोंकी थी, लेकिन आगरा, फतेहपुर सीकरी, मथुरा और इटावा से उन्हीं प्रत्याशियों के नाम फाइनल हुए हैं जो मौजूदा सांसद हैं। इटावा से रामशंकर कठेरिया, आगरा से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर और मथुरा से एक बार फिर हेमा मालिनी को टिकट दिया गया है। तमाम नेताओं की जो दावेदारी थी वो धरी की धरी रह गई और उनके मंसूबे ध्वस्त हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी चुनावी रण के लिए तैयार होगी। इन प्रत्याशियों को पहले से समय दिया गया है, वे जनता के बीच अपना समय गुजार सकेंगे और 5 साल में उन्होंने जो काम किया है वो जनता के आगे रखेंगे और आने वाले 5 साल का क्या खाका होगा ये भी वो जनता को बताएंगे। सागन से अपने साथी इंद्रजीत के साथ विजय बघेल, सी न्यूज़ आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।